नीतीश जी पलटने की उनकी आदत है, फिर एक बार वो लालू यादव को उन्होंने धोखा दिया है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अगर मुद्दा उठाया है, मुद्दा तो ठीक ही उठाया है, एंड क्या डील उसको सार्वजनिक करना चाहिए, और अगर पार्टी कमज़ोर नहीं हुई होती तो 44 सीट पर कैसे सिमट जाती, क्यों गोपालगंज में चुनाव हार जाते, क्यों कुर्दी में चुनाव हार जाते, तो जो मुद्दे उठाएं उनका जवाब देना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हां, बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जदयू दो फाट में दिख रहा है इस मामले में, क्योंकि जिस तरह से बीते दिन पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात बीजेपी के नेताओं से दिल्ली एम्स में हुई, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा का सुर जो है वह बदल गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में किस रास्ते पे जा रहे हैं, या किस कौन सा अब बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा गुल खिलाने वाले हैं, यह तो समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जब बीजेपी से अलग होकर जदयू आरजेडी के साथ गठबंधन करने जा रहा था, तो जरा बताएं कि क्या डील हुआ था। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने तो ललन सिंह से जवाब मांगा, लेकिन इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस पर ललन सिंह नहीं बल्कि नीतीश कुमार को खुलकर बोलना चाहिए। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार में भीष्म पितामह कहे जाने वाले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का। एक सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में ठनी हुई दिख रही है, लगता है कि मोह भंग हो गया है जदयू से उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, मुझे नहीं मालूम है कि मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो मुद्दे उठाए हैं उपेंद्र कुशवाहा ने, उसका जवाब तो नीतीश कुमार को देना ही चाहिए, कोई डील हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि जगताप बाबू ने नवंबर महीने में एक चैनल को इंटरव्यू में ये कहा था कि दिसंबर अंत होते होते या 23 के प्रारंभ में तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश जी राष्ट्रीय राजनीति करेंगे, और ये भी डील हुआ था कि दोनों का मर्जर होगा, तो नीतीश जी पलटने में माहिर हैं। अब लालू यादव चूंकि भारत से बाहर हैं, बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, वो कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकते हैं, ये तो समझौता तो यही हुआ था, लेकिन नीतीश जी को पलटने में कितना समय लगता है। और नीतीश कुमार ने ये जो कहा कि 2025 में तेजस्वी नेतृत्व करेंगे चुनाव का, तो लालू यादव को मालूम है कि जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दो, कौन जानता है कि 2025 में क्या होगा। तो नीतीश जी पलटने की उनकी आदत है, फिर एक बार वो लालू यादव को उन्होंने धोखा दिया है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने अगर मुद्दा उठाया है, मुद्दा तो ठीक ही उठाया है, एंड क्या डील उसको सार्वजनिक करना चाहिए, और अगर पार्टी कमज़ोर नहीं हुई होती तो 44 सीट पर कैसे सिमट जाते, क्यों गोपालगंज में चुनाव हार जाते, क्यों कुर्दी में चुनाव हार जाते, तो जो मुद्दे उठाएं उनका जवाब देना चाहिए। तो मुद्दों का जवाब देने के बजाय जो कोई भी मुद्दा उठाता तो एक ही उनका रटा रटा वाक्य है, मैं देखूंगा, मुझे पता नहीं है क्या हुआ, मेरी जानकारी नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब नीतीश कुमार को जरूर देना चाहिए। नीतीश कुमार की असहजता जो है वो अस्पष्ट दिखाई दे रही है। सर, अगर वो पलटते हैं तो बीजेपी उनको लेगी, बीजेपी के दरवाजे खुले हैं उनके लिए? नहीं, देखिए, लेने नहीं लेने का अभी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ, कोई राज्य इकाई किसी बड़े नेता को शामिल कराने के लिए सक्षम नहीं है, ये मामला केंद्रीय स्तर पर होता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इस राजनीति में कोई नहीं जानता। यही नीतीश कुमार 3 बार आ चुके, 3 बार जा चुके, यही लालू यादव 90 में समर्थन लेने आए थे और हमारी समर्थन से बिहार में उनकी सरकार बनी थी, और आज देश में TDP से लेकर ममता बनर्जी से लेकर शायद ही कोई क्षेत्रीय दल होगा, चाहे वो DMK हो, अन्ना DMK हो, जिसने कभी न कभी बीजेपी की मदद नहीं ली हो, लेकिन जब वो बाहर चले जाते तो गालियां देने लग जाते हैं, इसलिए कौन आएगा कौन जाएगा तो भविष्य बताएगा। ना आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि जिस तरह से सुशील कुमार मोदी उपेंद्र कुशवाहा के बयानों में हामी भर रहे हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि आगे आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता जो है बीजेपी में साफ होता दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के प्रति उपेंद्र कुशवाहा का जो रवैया है वो बदल चुका है।
एक एक करके जदयू का पोल खोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डैमेज करने का जो कोशिश किए थे, अब वह भी साफ होता दिख रहा है, क्योंकि अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का तालमेल सही से नहीं बैठ रहा है। इस पर सुशील कुमार मोदी ने तो बड़ा बयान दिया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा सही कह रहे हैं। इस पर सामने आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद सफाई देना चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति में जो घमासान मचा हुआ है, कोई यह कयास लगा रहा है कि बिहार की महागठबंधन की सरकार जो है वह अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, बिहार की राजनीति जो है एक नई दिशा में जा रही है। तो पल पल का अपडेट जो है न्यूज़ फॉर नेशन आपको लगातार देता रहेगा। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।